कि आप किसके सामने रोते हो और किसके सामने अपने हाथ और झोलियां फैलाते हो, तो आप कहेंगे जी सूरत अल-हश्र के आखिर में अल्लाह जुल जलाल ने अपना बड़ा ही तारुफ करवाया है, आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। आप ये सारी सिफ़तें अल्लाह जुल जलाल की, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक समावाति वल अर्ध, ये पूरा कुरान अल्लाह की पहचान है। लेकिन जब इन लोगों की अक़ल ने इनको कहा कि जब अल्लाह की आप सिफतें बतलाएंगे तो एक अल्लाह नहीं रहेगा, ये तो कई फिर अल्लाह बन जाएंगे। एक अल्लाह है जिसका नाम अल्लाह, दूसरा है कि जो रहमान, तीसरा है अर्रहीम, और ये चौथा बन जाएगा अलगफ़ूर, पांचवा बन जाएगा अलगफ़ार। तो ये तो ये बहुत सारे इला, जितने सिफतें उतने इला बन गए। तो ये तो ईसाइयों से भी बदतर अकीदा है कि वो तीन इलाह मानते थे, और ये जो अहले सुन्नत हैं ये बेशुमार इला मानते हैं। ये कहते हैं जी अल्लाह के 99 नाम हैं, तो ये 99 इलाह मानते हैं, ये काफिर नहीं होते। और ईसाई तीन इलाह मानकर काफिर कैसे हो गए? तो दरअसल उनकी ये अक़ल थी, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की कोई सिफ़त हम तस्लीम करें तो इसमें तअद्दुद इलाह आएगा, यानी कई अल्लाह बन जाएंगे। तो चुनाचे जहम बिन सफवान था, मोतज़ला थे, इन्होंने अपनी अक़ल को हाकिम बनाया और कहा कि अल्लाह की कोई सिफ़त नहीं, बल्कि ये ऐसे बेवकूफ़ लोग थे। वैसे कहते हैं जी ये बड़े अपने आप को समझते थे कि हमारी अक़ल बड़ी है और बड़ी फ़ाल और बड़ी मज़बूत अक़ल है, लेकिन ये बिल्कुल बेअक़ल लोग थे, अक़ल से पैदल थे। इब्ने सीना ने इनको ये पूछा कि बताओ एक इंसान, वो शायर भी होता है, हकीम भी होता है, आलम भी होता है, हाफिज़ भी होता है, एक इंसान की मुतअद्दद सिफ़तें बनने से वो कई इंसान बन जाते हैं। तो उस दौर के जो मोतज़ला थे कहने लगे जी नहीं। तो इब्ने सीना ने फिर ये मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि सिफ़ात को मानने से ये ज़ात के अंदर कोई तअद्दुद नहीं आता, लेकिन मोतज़ला का यह मौक़िफ़ था कि अल्लाह अलीम है लेकिन उसके पास इल्म नहीं, रहीम है लेकिन उसकी सिफ़त रहमत नहीं है, समी है लेकिन सिफ़त ये समा नहीं है। ये जितने अल्फाज हैं इन सब का माना क्या है? मौजूद, समीउन बसीरन रहमान रहीम गफूर, जितने भी सिफतें हैं इनका माना क्या है? मौजूद, कायम बिज़ात, यही इनका माना है। तो ये एक गिरोह था जो इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा ख़तरनाक, बल्कि मुशरिकीन से भी बदतर, इसलिए कि मुशरिकीन जिनको अपने इलाह बनाते थे उनकी भी कोई सिफ़ात होती थी, अंबिया होते थे, फरिश्ते होते थे, और सूरज और चांद होता था, उनकी भी सिफ़ात थी। इसलिए कहते हैं कि जो मुअत्तिला इनको कहा जाता है, जहमिया और मुअत्तिला, कि ये आदम की पूजा करते हैं, कि जो मुशरिक थे, याबुदु सनामा वल जहमी याबुदु आदमा, कि जो मुशरिक है वो सनम की पूजा करता है और जो जहमी है वो आदम की पूजा करता है कि कोई चीज़ है ही नहीं।
तो जहम से पूछा कि हम किस रब को सजदा कर रहे हैं, उसने कहा अच्छा मैं फिर सोचता हूँ। कहते हैं कि वो ना सोचने लग गया तो 40 दिन तक उसने नमाज ही छोड़ दी कि मैं किसके लिए नमाज पढ़ूँ। 40 दिन गुजर गए तो उसको ये ना पता चला कि रब जिसके लिए नमाज पढ़नी है वो कैसा है। और 40 दिन के बाद फिर वो निकला तो कहने लगा कि जो अल्लाह है ना वो है अज़ातुल मुजर्रदा, हालांकि ज़ात भी एक सिफ्त है, ज़ात भी एक हकीकत का नाम है, तो फिर भी ज़ात तो सिफ्त हो गई ना। बहरहाल ये बड़े बेअक्ल लोग थे। अब कुछ लोग वो पैदा हुए कि जिन्होंने देखा कि इस तरीके से तो फिर अल्लाह जुल जलाल का वजूद ही नहीं रहता, अदम की हम इबादत करेंगे, वो जो ना देख सकता है ना सुन सकता है ना कुछ दे सकता है ना मुआफ़ कर सकता है, तो फिर उसके लिए इबादत क्या करनी, नमाज़ क्या पढ़नी। उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ सिफात अल्लाह की हैं कि जिनके बगैर वो अल्लाह बन नहीं सकता। ये लगता है कि अल्लाह को बिना हम नहीं बनाना है, यानी जो एक मखलूक है ना जिसका इलम बड़ा नाकिस है और बड़ा महदूद है, इसने ये बताना है कि अल्लाह कैसा है और उसको कैसे बनाना है। और अल्लाह जुलजलाल ने जो बतलाया है कि मैं ऐसा हूँ, उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि वो अक़ल के ख़िलाफ़ है। तो इन हज़रात को कहते हैं अशायरा और मातुरीदिया। और ये माजरत के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा है और जिनकी शोहरत है, 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, 1.5 अरब से ज़्यादा पूरी दुनिया पर, तो अक्सरियत का अकीदा अशायरा का और मातुरीदिया का। इन हजरात का क्या अकीदा है? ये कहते हैं कि जी 7 सिफतें अल्लाह की हम मानेंगे, 7 सिफतें, बाकी कोई सिफत अल्लाह की हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 7 सिफतों के बगैर वो इलाह रह नहीं सकता, इलाह बन नहीं सकता, इसलिए वो सिफात अज़लिया हैं, अक़लिया हैं, ज़ातिया हैं, उनको मान लो और बाकी तमाम सिफात का इनकार कर दो। चुनाचे वो 7 सिफतें जो ये लोग मानते हैं इस वक्त उम्मत की अक्सरियत, वो एक सिफत है इलम, और दूसरी क्या है, हयात, हई, कि वो ज़िंदा है। यानी बड़ी अजीब बात है कि जो मोतज़ला और फ़लासफ़ा थे वो अल्लाह की सिफ़त हई भी नहीं मानते थे कि वो ज़िंदा है। तो ये कहते हैं कि इल्म अल-हया ज़िंदा है, और अस्समा सुनता है, और चौथी क्या है, अल-बसर देखता है, पांचवी क्या है, इरादा, कि अल्लाह जुल जलाल इरादा भी करते हैं, और छठी क्या है, कुदरत, क्या है, कुदरत, और सातवीं सिफ्त क्या है, कलाम नफसी, कलाम नफसी, कि अल्लाह ताला कलाम करता है लेकिन वो कलाम उसके अंदर अंदर ही रहती है, ना उस कलाम के कोई अल्फाज हैं, ना हरूफ हैं, ना उसकी कोई आवाज़ है, वो अल्लाह की ज़ात के साथ कायम है। अगर अरबी में उसको पढ़ा जाए तो वो कुरान बन जाता है, इबरानी में पढ़ा जाए तो वो तौरात बन जाती है, सुरियानी में उसको पढ़ा जाए तो वो इंजील बन जाती है, और उसमें ना अमर होता है, ना खबर होती है, ना नहीं होती है, एक ही चीज़ होती है, कायम बिन नफ्स, कायम बिन ज़ात, कलाम नफ्सी, उसमें अमर ये नहीं, खबर, माजी, मुस्तकबल, यानी अल्फाज होते ही नहीं।
अब ये सात सिफतें, इसके अलावा बाकी जितनी सिफतें हैं वो कोई सिफत अल्लाह के लिए हम साबित नहीं करेंगे। बस ये कहेंगे कि अल्लाह ज़िंदा है, वो कादिर है, वो इरादा करता है, वो समी है, वो बसीर है, और छठी क्या थी? हाँ जी, हाँ वो आलिम है, और सातवीं के वो कलाम करता है लेकिन उसकी कलाम नफसी है, ना किसी फरिश्ते ने आज तक अल्लाह की बात सुनी, ना किसी नबी ने सुनी, और किसी ने भी अल्लाह की कलाम सुने नहीं है, इसलिए कि ना उसकी आवाज़ है और ना उसके हरूफ हैं और ना उसके अल्फाज हैं। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि ये अकीदा हमारे बर्रे सगीर में भी अहले सुन्नत के अकीदा के नाम से पढ़ाया जाता था, और जो हमने मदारस में पढ़ा था उस वक्त अभी हमारे मदारस में शरा अकीदा तहाविया या शरा अकीदा वास्तिया ये अभी निसाब में शामिल नहीं थी जब हम पढ़ते रहे। तो हमने जिस चीज़ को अकीदा समझकर पढ़ा वो शरा अकायद नस्फी थी और उसकी शरा ख्याली थी। ये शरा अकायद नस्फी की शरा है, फिर आगे उसका हाशिया ख्याली। तो ये हमने पढ़ा था कि ये अकीदा अहले सुन्नत है, और इसके अंदर ईमान के बारे में भी लिखा कि वो सिर्फ तस्दीक कल्बी का नाम है, और इसके अंदर ये लिखा कि अल्लाह जुल जलाल की ये सात सिफतें हैं, और आठवीं मा तुरीदी ये इजाफा करते हैं कि ये तकवीन को अलग सिफत बनाते हैं, जबकि अशायरा वो कहते हैं कि तकवीन और कुदरत ये एक ही चीज़ है। तो बहरहाल ये सात सिफतें और बाकी जितनी की जितनी सिफात हैं उनकी या तो तावील कर लो और या फिर उसकी ये कहो कि जी ये मुतशाबहात में से हैं इसलिए हमें इसके माने का इल्म नहीं। अब देखिए, क्या अल्लाह रहमान है? वो कहते हैं नहीं। क्यों? कि रहमत क्या होती है? कि दिल के अंदर रिक्क़त पैदा हो जाना और खून की गर्दश का खून की गर्दश में सुकून आ जाना। तो कहते हैं कि फिर हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह के अंदर भी नरमी पैदा होती है और खून की गर्दश वो नरम हो जाती है, तो ये तो मखलूक की सिफत हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है ही नहीं। अब जिन लोगों ने कुरान से इब्तिदा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान पूरे का पूरा अल्लाह की रहमत है, अब यहाँ से तावील शुरू होती है और आखिर तक मलिकिन्नास इलाहिन्नास रब्बिन्नास इन सब की तावील के कोई सिफत नहीं है इनमें से अल्लाह जुल जलाल की, क्योंकि ये अक्ल कहती है कि अगर ये सिफतें अल्लाह के लिए माने तो फिर अल्लाह जुल जलाल एक मखलूक बन जाएगा, इसलिए कि ये सिफात मखलूक के अंदर हैं। और अल्लाह जुल जलाल की जो सिफात हैं कि अल्लाह के हाथ हैं कुरान कहता है, ये कहते हैं नहीं, अल्लाह के हाथ अगर मानोगे तो वो तो फिर इस तरह का होगा, ये तो अल्लाह की तशबीह हो जाएगी, लैसा कमिस्लिही शय, कि ये तो अल्लाह जुल जलाल की शबाहत हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि अल्लाह का हाथ है ही नहीं। अगर आप हाथ कहेंगे तो उसकी पांच उंगलियां चाहिए और इसको बंद करने के लिए फिर ये जोड़ चाहिए, वरना अगर ये जोड़ काम ना करते हों तो ये हाथ नहीं बंद होता। वो कहते हैं कि अल्लाह की आंखें नहीं, वो सुनता ज़रूर है और देखता है लेकिन आंखें नहीं। क्यों जी? कहते हैं कि अगर आंखें माने तो फिर इस तरह की होंगी, और इसके अंदर वो पुतली है फिर वो भी होगी, फिर
जो आँख देखती है वो एक महदूद होता है, मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो पीछे नहीं देखा जाता। कहते हैं कि क्या फिर अल्लाह की आँखें अगर हम मान लें तो फिर ये सामने से तो अल्लाह को नज़र आता है, फिर पीछे से नज़र नहीं आता। ये अक़ल कहती है कि अल्लाह की आँखें नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल क़ुरान कहता है कि ऊपर है, बुलंद है, ये कहते हैं कि नहीं। अगर हम अल्लाह ज़ुल जलाल को ये कहेंगे कि अल्लाह बुलंद है तो इसका ये माना है कि अल्लाह को हमने एक जहत का पाबंद कर दिया कि अल्लाह ऊपर है। इसका यह माना है कि दाएं की तरफ भी नहीं, बाएं की तरफ नहीं, नीचे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऊपर है। तो ये हमने एक जहत उसकी मुकर्रर कर दी और उसकी हद हमने मुकर्रर कर दी कि ऊपर है। अक्ल नहीं मानती, इसलिए कि फिर अल्लाह हज़ुल जलाल को एक जहत में आप महदूद करेंगे, इसलिए अल्लाह ऊपर भी नहीं। अल्लाह हज़ुल जलाल ऊपर नहीं है। मुझे याद है कि मैं जब कराची जामिया अबी बकर में पढ़ाता था तो वहाँ दाखिले के लिए इंटरव्यू असातिज़ा कर रहे थे, तो एक तालिब इलम जो जामिया देवबंद से फारग हुआ, तो वो चूँकि उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं फ़लसफ़े की, मंतक की और भी इस तरह, तो मुझे हमारे मोहतरम फाजिल बुज़ुर्ग और भाई हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़ाहुल्लाह व आफ़ाहु व सल्लमहु, वो मुझे कहने लगे जी आप इनसे ना इंटरव्यू लें। तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि ऐन अल्लाह, कि अल्लाह कहाँ है? तो वो कहने लगे जी अल्लाह फ़ी कुल मकान। तो मैंने कहा इसकी दलील? तो कहते हैं नहीं जी मैं भूल गया, ए ला अदरी, कि पता नहीं अल्लाह कहाँ है। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया कि वो जो एक हदीस है, जो एक वो हदीस जारिया जिसे कहते हैं, कि आपके एक साहबी आए और कहने लगे जी मैं अपनी लौंडी को एक थप्पड़ मार बैठा हूँ और अब मैं इसका कफ़ारा देना चाहता हूँ कि मैं इसको आज़ाद कर दूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा कि मनाना, मैं कौन हूँ? तो उसने कहा अंत रसूलुल्लाह। और आपने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उसने अशारत बिरासिहा इलस्समा, आसमान की तरफ इशारा किया और कहा कि ऊपर है, अल्लाह आसमान पर हैं। तो मैंने कहा कि ऐन अल्लाह का जवाब तो ये होना चाहिए। कहने लगा जी दरअसल ये सवाल करना ही बिदत है, ऐन अल्लाह, अल्लाह के बारे में पूछना कि कहाँ है। मैंने कहा ये एक सहाबिया ने ये जवाब दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी, आतिक़हा फ़इन्नहा मोमिना, कि इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। इन दो चीज़ों की वजह से आपने गवाही दे दी कि इसको पता है कि हमारा अल्लाह ऊपर है और इसको पता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आपने उसके ईमान की गवाही दी। तो कहते हैं जी ये दरअसल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके लिए ये सवाल नहीं होता, जो जाहिल और बद्दू किस्म के लोग हों उनको समझाने के लिए कि अल्लाह बहुत बड़ा है और ऊपर है, देख रहा है, आपको सजा देगा, पकड़ लेगा, ये ना करना, वो लोगों को एक नज़म के अंदर रखने के लिए इस तरह की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया करते रहे हैं। वरना हकीकत ये है कि अल्लाह ज़ुल जलाल की ऊपर जहत मुकर्रर करना ये कुफ्र और इल्हाद है। मेरे भाइयों, इसी तरह ये अल्लाह को ऊपर, अल्लाह की सिफात और अल्लाह की कलाम, कि अल्लाह बोलता है,
और ये कुरान उसका कलाम है और ये उसकी सिफ्त है, ये मखलूक नहीं। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी को ये कहें कि गूंगा है तो ये सिफ्त है कि या नक्स है? क्यों भाई, गूंगा है ये? इन अहले बिदा ने ये कहा कि अल्लाह कलाम नहीं कर सकता। अच्छा जी, क्यों? कहते हैं अगर वो कलाम करे, अगर हम मान लें कि अल्लाह कलाम करता है, तो फिर इसका माना ये होगा कि अल्लाह ताला की ज़बान होनी चाहिए, ज़बान ना हो तो कलाम कैसे होती है, और फिर हलक होना चाहिए, और फिर मखारज होने चाहिए, दांत भी होने चाहिए, इसलिए कि जिसके सारे दांत निकल जाएं वो सही तरीके से हरूफ का तलफ़ुज़ नहीं कर सकता। और फिर जब अल्लाह बोलेगा, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों भाई, ये देखिए अकल, जब अल्लाह बोलेगा अल्हम्दु कहना हुआ तो अल्लाह कैसे कहेगा कि अल्लाह को पहले अलिफ बोलनी पड़ेगी, फिर लाम बोलनी पड़ेगी, फिर हा बोलनी पड़ेगी, फिर मीम बोलनी पड़ेगी, तो अल्लाह मोहताज है कि अल्हम्दु बोलने के लिए वो इन हरूफ की तरतीब भी रखे, वरना कैसे बोलेगा? तो इसलिए अक्ल कहती है कि अल्लाह कलाम कर ही नहीं सकता। तो फिर जो अल्लाह फरमाते हैं कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, तो कई ऐसे बदबخت थे, उन्होंने कहा जी आप गलत पढ़ते हैं, असल में यह है कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, कि मूसा ने बातें की हैं, अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह ने मूसा से कोई बात नहीं की। शेखुल इस्लाम इमाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जितने अहले बिदा थे और ये मोतज़ला थे, अशायरा थे, आखिर इनकी इंतहा इल्हाद और जंदका था, यहाँ तक कि कुरान मजीद को पाँव तले रौंदते थे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, इसलिए कि अल्लाह के कलाम के ना हरूफ होते हैं, ना उसके अल्फाज हैं, ना उसकी कोई आवाज़ है, तो कुरान के तो अल्फाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम अमर बिन आला कहते हैं कि एक आदमी के साथ मेरी बात हुई, उसने कहा अल्लाह कोई कलाम नहीं करता जो सुनी जाती हो, तो मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, कहता है गलत पढ़ते हो, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। वो फरमाते हैं कि मैंने कहा चलो ये जो दूसरी आयत है कि जिसमें यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए फकल्लमहु रब्बुहु, इसका क्या माना है कल्लमहु रब्बुहु, तो कहते हैं फबोहित, वो लाजवाब हो गया कि अब कल्लमहु रब्बुहु इसकी तौजीह नहीं बन सकती थी। तो अल्लाह की वही का इनकार, कुरान मजीद के अल्फाज और हरूफ का, अल्लाह की कलाम होने का इनकार और अल्लाह जुल जलाल की कलाम का इनकार, ये अशायरा और मातुरीदिया का ये अकीदा था। इसके मुकाबला में जो अहले सुन्नत और अहले हदीस हैं, आइए अल्लाह जुल जलाल ने उनको सुन्नत पर कायम रखा, हदीस पर कायम रखा और सहाबा के तरीक़े पर अल्लाह जुल जलाल ने इनको कायम रखा। हमारा क्या अकीदा है अल्लाह की सिफ़ात के बारे में? हमारा सबसे पहला ये अकीदा है कि जितनी सिफतें अल्लाह जुल जलाल ने अपनी कुरान मजीद में या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर लोगों को बतलाई हैं, वो सारी की सारी हम अल्लाह के लिए साबित करते हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। अब दूसरी बात कि वो फिर सिफतें कैसी हैं, सिफतें कैसी हैं,
तो इसका जवाब बहुत आसान है, बहुत आसान। आप को अगर वैसे अल्लाह का शुक्र है कि जो इंसान है ना, हर मुसलमान है वो, बल्कि अगर ज़्यादा ना पढ़ा हो, या ये कह लें कि फ़लसफ़ा ना पढ़ा हो, मंतिक ज़्यादा ना पढ़ा हो, और ये अहले कलाम के कलाम को उसने ना पढ़ा हो, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर उसकी अक़ल को ये मंतिक और फ़लसफ़े के उसूलों से ख़राब ना किया गया हो, बल्कि वो फितरत पर हो, तो फिर वो ये चीज़ें ना भी पढ़ा हो तो वो मानता है कि अल्लाह ऊपर है। क्यों भाई? अल्लाह ऊपर है और सारी सिफतें उसकी साबित हैं। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। ये जहम बिन सफ़ान कहता था कि ये मेरा दिल ये चाहता है कि इस आयत को कुरान से खुर्च दूँ, कुरान से खुर्च दूँ। और इमाम इबन खुज़ैमा रहमतुल्लाह की किताब है किताब तौहीद, वो अल्लाह जल जलाल की नाम और सिफ़ात के बारे में उन्होंने लिखी है, जो भी अहादीस और कुरान में वारिद हैं। तो राशि ने अपनी जो तफसीर है उनकी तफसीरुल कबीर, उसमें लिखा कि ये किताब तौहीद नहीं है इब्ने खुज़ैमा की, बल्कि ये किताब शिर्क है, ये किताब शिर्क है, इसलिए कि इसमें अल्लाह जुल जलाल की सिफात को साबित किया गया है। तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, सबसे पहला उसूल और कायदा कि जितनी सिफतें अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में उनको बयान फरमाया, हम सारी की सारी सिफतें अल्लाह जुल जलाल के लिए मानते हैं, ईमान रखते हैं और उन पर हमारा यकीन मुहकम है। अब सवाल पैदा होगा कि जी फिर वो सिफतें कैसी हैं? अल्लाह के हाथ हैं तो कैसे, अल्लाह जुल जलाल की रहमत है तो कैसी, उसका ग़ज़ब है तो कैसा, वो रात के पिछले हिस्से में आसमान दुनिया पर आते हैं तो कैसे, अल्लाह के हाथ हैं और अल्लाह की उंगलियां हैं वो कैसी? तो इसका बड़ा ख़ूबसूरत जवाब है और बड़ा आसान कि अल्लाह की ज़ात की कैफियत का किसी को पता है? क्यों भाई? अल्लाह की ज़ात कैसी है? हम कहते हैं कि उसकी ज़ात बेमिसाल है, तो जब उसकी ज़ात बेमिसाल है तो उसकी सिफात भी क्या हैं? बेमिसाल हैं। हम इंसान पर उसको क्यास नहीं कर सकते, वरना अगर हम इंसान पर उसको क्यास करना शुरू कर दें तो फिर तो अल्लाह ताला की सिफ़त समा भी नहीं होनी चाहिए, सिफ़त बसर भी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह देखता भी नहीं, देखने के लिए आँखें चाहिए। अगर हम ये कहें कि बोलने के लिए होंठ होने चाहिए, ज़बान होनी चाहिए और ये हलक और मखारिज होने चाहिए, दांत होने चाहिए, अल्फाज की तरतीब होनी चाहिए, तो मेरे भाइयों हम ये कहेंगे कि ये सारी सिफतें मखलूक के लिहाज से मखलूक की होती हैं। खालक की जिस तरह ज़ात बेमिसाल है, उसी तरह खालक की सिफात भी बेमिसाल हैं। अहले सुन्नत का ये कायदा आप अच्छी तरह याद कर लें, लैसा कमिस्लिही शै वहुवस समीउल बसीर। अगर अल्लाह के एक कलाम के लिए इन चीज़ों को साबित करना ज़रूरी है तो फिर समा और बसर के लिए भी इन चीज़ों को साबित करना ज़रूरी है। क्या अल्लाह का इलम कैसा है भाई? अब जो इलम हमारे पास है, जो हम जानते हैं, वो तो एक महदूद है, नाकिस है, देखना हमारा महदूद है, तो क्या अल्लाह का इलम भी ऐसा है? वहाँ आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है तो अल्लाह का इलम और समा भी बेमिसाल है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह के हाथ भी बेमिसाल हैं, अल्लाह का कलाम भी बेमिसाल है और अल्लाह की रहमत भी बेमिसाल है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कायदा है कि जो शख्स भी सिफत को ये सिफ्त की नफ़ी करता है, वो पहले तशबीह देता है। क्या करता है? पहले तशबीह देता है
कुल्लु मुअत्तलिन मुशब्बिह, बल्कि अगर लिखे उलमाए किराम हैं ये अपने जहन में रख लें कि हर मुअव्विल वो मुअत्तल होता है और हर मुअत्तल वो क्या होता है, मुशब्बे होता है। तशबीह देगा तो वो नफी करेगा, कहेगा जी ये हाथ ये फिर हमारे जैसे होंगे, पहले उसने तशबीह दी ना, तो फिर कहा कि नहीं नहीं ये हाथ अल्लाह की सिफत नहीं है, नफी कर दी, तातील की। और फिर क्या कहा कि जब कुरान में आता है कि अल्लाह के दो हाथ हैं तो फिर इसका माना क्या है, तो कहते हैं या तो इसके माने का हमें इलम नहीं, और या यदुन से मुराद है कुदरत, इससे मुराद कुदरत है। ओ मेरे भाइयों, हम तो ये भी मानते हैं कि पत्थर भी कलाम करते हैं। क्यों भाई? पत्थर भी कलाम करते हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि खाना भी बोलता है। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब खाना खाते थे तो कुन्ना नस्माओ तस्बीहत ताम फी यदी, तो आपके हाथ में खाने के लुक्मे की सुबहानल्लाह इन कानों से सुनते थे। अब कोई इन बेअक्लों से पूछे कि क्या जो खाना सुबहानल्लाह कहता था उसकी जबान है? क्यों भाई? अच्छा, उसके दांत हैं, उसका कोई हलक है, ये खाने ने अल्फाज की तरतीब कैसे जोड़ ली? सुबहानल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ कि मक्का मुकर्रमा में मैं जब वहाँ से गुज़रता था तो वो मुझे कहता था अस्सलामु अलैक। पत्थर क्या कहता था? मुझे सलाम कहता था। अब पत्थर की ज़बान, उसके दांत और हलक है, तो जब एक मखलूक बोल सकती है और हम ये चीज़ें उसके लिए साबित नहीं कर रहे बल्कि देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो अल्लाह का बोलना और उसकी आवाज़ और उसके हरूफ और अल्फाज और उसकी कलाम को सुनना, वहाँ हम कैसे कहेंगे जी फिर हमें ये चीज़ें भी साबित करनी पड़ेंगी? तो जिस तरह अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है, लैसा कमिस्ली ही शै फी ज़ाती ही व सिफाती ही, इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल की सिफात भी बेमिसाल हैं। और यहाँ मैं आखिर में ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ ताकि हमें अपने अकीदे पर बसीरत हो कि अल्लाह ज़ुल जलाल की तौहीद और अल्लाह की पहचान, इसका एक तरीक़ा तो यह है कि अल्लाह अपनी ज़ात में वो यकता है, कुल हुवल्लाहु अहद, तौहीद फिज़ात। और दूसरा क्या है? तौहीद फिल अस्माई व सिफात, कि अल्लाह अपने नामों में और अपनी सिफात में यकता है। हमारे पास भी इलम है और अल्लाह के पास भी इलम है, लेकिन अल्लाह का इलम और मखलूक का इलम ये कभी भी किसी सूरत में बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल की बाकी सिफात हैं, और एक है तौहीद रुबूबियत, जिसको कहते हैं तौहीद फिल अफ़ाल, कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, रासिक है, दाता है। ये सिफतें वो हैं जिनको सिफात रुबूबियत कहते हैं, कि मुशरिकीन मक्का और कुफार भी मानते थे कि अल्लाह की ये सिफात हैं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, वो जिंदा करता है, मारता है, रिज़्क देता है। तो तौहीदुल अस्मा व सिफात ये अहले सुन्नत का इम्तियाज़ है, अहले हदीस का इम्तियाज़ है, कि जब तक अल्लाह की सिफात को नहीं माना जाएगा, अल्लाह के अस्मा को नहीं माना जाएगा, उतनी देर तक अल्लाह की बंदगी और इबादत हो नहीं सकती। आप और हम
जिस अल्लाह को पुकारते हैं हमें पता है कि वो सुनता है, हमें पता है वो देख रहा है, हमें पता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमें पता है कि हम अगर अल्लाह की बगावत ये करेंगे तो अल्लाह गज़बनाक हो जाएगा। ये उसकी सिफात हैं, और अगर ये सिफात हम ना माने तो फिर हम किसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमारे बर्रे सगीर में ये अहले सुन्नत का नाम छीन लिया गया, और ऐसे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया कि जिनका सुन्नत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और सहाबा के मनहज से अस्मा और सिफात और अल्लाह के पहचान में कोई ताल्लुक़ नहीं था। और आखिर में मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बर्रे सगीर में अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस की तहरीक ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरी है, ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरी है। हमारी जो पहचान और इम्तियाज़ है, इम्तियाजी जो हमारी निशानियाँ हैं, याद रखें माजरत के साथ, वो रफ़ुल यदैन नहीं है, वो इमाम के पीछे जहरी नमाजों में सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं, वो सीने पर हाथ बांधना नहीं है। ये तो हमारी इम्तियाजी निशानियों में से एक निशानी की फुरुआत हैं, बाकी जो असल हमारी पहचान है वो अकीदे से है। ये हम यहाँ इस बर्रे सगीर में, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मुगालता है कि हमने अपने इम्तियाजी मसाइल और इम्तियाजी चीज़ें ये चार पांच बना ली। हमने ये बना लिया कि जो रफ़ुल यदैन करता है वो अहले हदीस है, और जो रफ़ुल यदैन नहीं करता वो अहले हदीस नहीं, जो सूरतुल फातिहा जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे नहीं पढ़ता वो अहले हदीस नहीं। हालांकि अहले हदीस की अलामात और निशानियों की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए थी? अकीदा से, कि हमारा ईमान है और हमारा यकीन है कि ईमान कौल और अमल का नाम है, यजीद व यनकुस, ये था इम्तियाज। हमारा ईमान है कि अल्लाह की जितनी सिफात कुरान और सुन्नत के अंदर हैं वो सारी की सारी उसके लिए साबित हैं। हमारा ये इम्तियाजी निशान था पूरी तारीख में, इस्लाम की पूरी तारीख में, कि हम अल्लाह की सिफात को मानते हैं लेकिन उसकी तशबीह और कैफियत का हमें पता नहीं है। हमारा पूरी इस्लामी तारीख में ये एक इम्तियाजी निशान था, क्या कि जहाँ कुरान और सुन्नत आ जाए तो हम उसको हाकिम मानते हैं, अपनी अक़ल को हाकिम नहीं मानते। हम वो इबलीस के तरीक़े पर नहीं हैं कि हर चीज़ में ये देखें कि हमारी अक्ल मानती है कि नहीं मानती। हम कहते हैं कुरान हाकिम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हदीस और सुन्नत वो हाकिम है। अगर हमारी अक्ल ना भी माने तो हम अपनी अक्ल का कसूर कहेंगे, लेकिन कुरान और सुन्नत की तावील या उसकी तातील नहीं करेंगे। ये हमारी इम्तियाजी निशानी थी, और हमारी एक इम्तियाजी निशानी ये थी कि हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अलैकुम बिसुन्नती, वो रफ़ुल यदैन का मसला हो या सूरतुल फातिहा का मसला हो, वो आमीन बिल जहर का मसला हो, वो तलाक का मसला हो, वो ये मईशत का मसला हो, अखलाक का मसला हो, और ये मुआमलात और उकूद का मसला हो, तरीक़ा इबादत का मसला हो, हज का मसला हो, हम हर जगह पर, हमारा मनहज और इम्तियाजी निशानी क्या थी? फत्तबिउनी, क्या है? इत्तेबा। जिस तरह एक अल्लाह की तौहीद, इस तरह मुताबात में भी हम मुवाहिद हैं कि सिर्फ़ एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा।
अल्लाह के साथ वला और बरा, और फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वला और बरा। कुरान मजीद की इस आयत पर आप गौर करें ताकि ये फ़िरका वारियत के नाम से जितने नाम हैं ये सब तकलीद की बुनियाद पर बने और इत्तेबा का रास्ता छोड़ने की वजह से बने, इत्तेबा का रास्ता छोड़ने की वजह से बने। नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, चिश्ती बन गए, कादरी बन गए, और हनफी बन गए, शाफ़ी बन गए, हम्बली बन गए, उम्मत को गिरोहों में तकसीम किया। लेकिन हमारा जो असलुल उसूल क्या है, इत्तेबा। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो अल्लाह की मोहब्बत के सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं। शेखुल इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत एक यहाँ जुमला इस्तेमाल किया, जमीन के इल्लाही मसदूदतुन, के अल्लाह की तरफ जाने के सारे रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है, सिर्फ एक रास्ता खुला है और वो है फत्तबिउनी युहबिबकुमुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा का रास्ता है। और इत्तेबा के जज्बे से जब हम तहकीक करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, दलाइल से पूछेंगे,